दोस्तों आप लोगों का सब लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो अभी ये 30 नंबर लेक्चर है क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर, और आज हम बात करने जा रहे हैं वेव फंक्शन ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम के ऊपर। तो हम लोग इसके पहले जो भी लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में, उसमें हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम इज वैलिड फॉर डायटोमिक मॉलिकुलर सिस्टम, जहाँ पे दो एटम जो हैविंग मास ऑफ M1 एंड M2, दे आर बॉन्डेड बाय सम काइंड्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ को हम लोग डेजिग्नेट करते हैं एक वैल्यू जिसको कहते हैं के, दैट इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ द बॉन्ड, और आर है ये जो दो एटम हैं इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको एक्सप्रेस करते हैं आर से। तो इस तरह का जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम। तो इस तरह का सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन है वो हम लोगों ने निकाला है बाय यूजिंग पॉलिनोमियल वेव फंक्शन। तो ये जो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, और जो भी पोटेंशियल फंक्शन दैट इज वी आर यूजिंग फॉर दिस टाइप्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम इज डिफाइंड एज हाफ के एक्स स्क्वायर। तो ये है ये जो सिस्टम है हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम, उसका पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, और ये कह सकते हैं कि इसका पोटेंशियल एनर्जी एक्स के साथ कैसे वेरी कर रहा है। तो व्हाट इज एक्स? एक्स इज बेसिकली ये डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम बॉन्ड पोजिशन। तो एक्स को हम लोग डिनोट करते हैं आर माइनस आर जीरो से, वेर आर इज द प्रेजेंट बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटोम एंड आर जीरो इज द बॉन्ड डिस्टेंस बिटवीन द टू एटोम व्हेन द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो इक्विलिब्रियम जो पोजिशन होता है दैट इज द पोजिशन वेयर द एनर्जी और द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम इज जीरो। सो एट दैट पोजिशन एज एक्स इज जीरो सो द पोटेंशियल एनर्जी विल ऑल्सो बी जीरो। तो ये जो सिस्टम है दैट इज कॉल्ड द हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम। सो बाय यूजिंग श्रोडिंजर्स इक्वेशन, हम लोग दिखा है कैसे श्रोडिंजर्स इक्वेशन यूज करके इस तरह का जो सिस्टम है उसका एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं। तो द एनर्जी एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम इज ई एन इज इक्वल टू एच न्यू इंटू एन प्लस हाफ, वेयर एन इज कॉल्ड द क्वांटम नंबर, इसका वैल्यू 0 से लेके 1, 2, 3, 4 कोई भी इंटीजर हो सकता है। एच एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज कॉल्ड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज 1/2 पाई रूट ओवर ऑफ के बाई म्यू, वेयर म्यू इज द रिड्यूस्ड मास। सो हम लोग जब एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे वी हैव टू टेक द रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम एंड द एक्सप्रेशन ऑफ द रिड्यूस्ड मास इज M1 M2 M2 बाई M1 प्लस M2। सो ऑल दोज थिंग्स आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस लेक्चर, जो पहले का मेरा जो लेक्चर था उसमें ये सब चीज़ें पहले से ही डिस्कस किया है। तो चलिए हम लोग अभी देखते हैं कि इस तरह का जो हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम है उसका वेव फंक्शन किस तरह का होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन फॉर दिस टाइप्स ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वेव फंक्शन है इसमें तीन टाइप का कंट्रीब्यूटर है। तो पहला कंट्रीब्यूटर दैट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। तो हम लोग पहले भी पार्टिकल इन ए बॉक्स सिस्टम में देखे हैं कि कोई भी वेव फंक्शन का पहला क्राइटेरिया है कि दैट द वेव फंक्शन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। तो अगर वो वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं होता है तो उसको नॉर्मलाइज करने के लिए उसके पहले एक कांस्टेंट लगाया जाता है जो कांस्टेंट को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट। सो दिस नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट इंश्योर दैट इफ यू इंटीग्रेट दिस वेव फंक्शन इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी यू विल गेट द प्रोबेबिलिटी 1। सो ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट ये इंश्योर करते हैं कि अगर आप इस सिस्टम में कोई भी पार्टिकल को माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक इसका होने का जो प्रोबेबिलिटी होगा दैट शुड बी 100%। तो सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट है इस वेव फंक्शन का दैट इज कॉल्ड द हर्माइट पॉलिनोमियल। तो ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है इसको एक्सप्रेस किया जाता है ऐसे दैट इज द फंक्शन ऑफ रूट ओवर ऑफ अल्फा इंटू एक्स। तो एक्स तो पहले ही बताया कि एक्स इज बेसिकली डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम बॉन्ड पोजिशन एंड अल्फा एक कॉन्स्टेंट है
and alpha can be expressed by this equation, that is root over of k into mu pi h cross. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k that is called the spring constant is a constant value, mu that is called the reduced mass ये भी एक constant है, और जो h cross that is Planck's constant by 2 pi ये भी एक constant है. तो ये जो whole alpha है that is also a constant. So this is the Hermite polynomial. तो ये Hermite polynomial का expression कैसा होता है ये अभी हम आएंगे इसके ऊपर. तो ये जो next कॉन्ट्रीब्यूटर है दैट इज कॉल्ड द गॉसियन फंक्शन e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय टू. तो आप देख के समझ जा सकते हैं कि ये जो फंक्शन है दैट इज अ टाइप ऑफ गॉसियन फंक्शन. तो अल्फा ये सेम ही है, एक कॉन्स्टेंट है, एक्स जो बोलते हैं कि डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन. तो ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंट मिलके ये वेव फंक्शन बनता है, दैट इज द वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम. Now you can see that the expression of this the normalization constant is like this. तो आप लोगों को इतना डिटेल में इसका जाने की जरूरत नहीं है. ये याद रखिए ये जो normalization constant है that is basically a constant number. और यहाँ पे हम लोग एक चीज देख सकते हैं कि ये जो normalization constant है वो जो quantum number के साथ भी vary होता है. So this is the special case of harmonic oscillator system. तो हम लोग जब पार्टिकल इन ए बॉक्स टाइप ऑफ सिस्टम में देखे थे कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है वो क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, लेकिन हम यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट के वो देख के ये पता चलता है कि ये जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट चेंजेस विथ क्वांटम नंबर. तो बट स्टिल इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू. अभी जो हर्माइट पॉलिनोमियल है ये एक टाइप का पॉलिनोमियल फंक्शन है. ये डिपेंड करता है ये जीटा के ऊपर, दैट इज अ फंक्शन ऑफ जीटा. जीटा इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ अल्फा एक्स. तो इसको हम लोग अपने लिखने के सुविधा के लिए रूट ओवर ऑफ अल्फा एक्स के बदले एक दूसरा कांस्टेंट से इसको डिनोट और एक दूसरा वेरिएबल से इसको डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड जीटा. सो और वी कैन से जी इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ अल्फा इंटू एक्स. तो अल्फा पहले अल्फा इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ के म्यू बाय एच क्रॉस. तो अल्फा का वैल्यू अगर इंसर्ट करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ जीटा विल बी लाइक दिस. तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है दैट इज ए कांस्टेंट पोर्शन एंड दिस एक्स इज बेसिकली वेरिएबल पोर्शन. तो अभी ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है उसमें ये पहले आता है माइनस वन टू द पावर एन, उसके बाद एक्सपोनेंशियल जीटा स्क्वायर, उसके बाद डिफरेंशियल इनटू ई टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर, एंथ डेरिवेटिव ई टू द पावर माइनस जीटा स्क्वायर. तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स के लिए ये जो हर्माइट पॉलिनोमियल है इसका वैल्यू भी डिफरेंट होगा. तो फॉर डिफरेंट क्वांटम नंबर यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट और डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल. तो फॉर एन इज इक्वल टू जीरो, इफ यू पुट एन इज इक्वल टू जीरो you will obtain the value of the Hermite polynomial is equal to 1. Similarly, for n is equal to 1, if you put the value 1, then you will obtain the value of Hermite polynomial 2z. So, ye sab aap ghar mein alag se kar sakte hai calculate kaise ye sab Hermite polynomial ka value ye sab aa raha hai. Jaise for n is equal to 2, the value of the Hermite polynomial is 4z square minus 2. तो ये वैल्यू कैसे एक्सप्रेशन आ रहा है इसके डिटेल में हम लोग नहीं जा रहे हैं, ये आप अलग से घर में ये एक्सप्रेशन को डिराइव करके आप लोग निकाल सकते हैं. तो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ हार्माइट पॉलिनोमियल फॉर डिफरेंट क्वांटम स्टेट्स. अभी जो नेक्स्ट कंट्रीब्यूटर है दैट इज द गॉसियन फंक्शन, उसके बारे में आते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि e टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाय टू दैट इज कॉल्ड गॉसियन फंक्शन. तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो अल्फा टर्म है ये अल्फा टर्म डिसाइड करता है कि ये गॉसियन फंक्शन किस तरह का होगा. तो अगर ये अल्फा वैल्यू बहुत लार्ज होता है तो ये जो गॉसियन फंक्शन होगा ये बहुत ही कॉन्ट्रैक्टेड गॉसियन फंक्शन होगा. तो इस तरह का गॉसियन फंक्शन होगा फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ अल्फा. अगर ये अल्फा का वैल्यू बहुत ज्यादा होगा तो ये जो गॉसियन फंक्शन होगा काफी फ्लैटेंड रहेगा. तो इसको हम लोग बोलते हैं कि डिफ्यूज्ड गॉसियन फंक्शन. ओके, नाउ द अल्फा वैल्यू इज कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट ओवर ऑफ के म्यू बाय एच क्रॉस. ये हम लोग पहले ही
बताए थे, तो इसके बारे में हम लोग और डिटेल जानेंगे। तो ये जो अल्फा है दैट इज डिसाइड द वाइट ऑफ द गॉसियन फंक्शन। नाउ आई विल कम बैक टू दिस वेव फंक्शन। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसमें तीन टर्म है। फर्स्ट इज कॉल्ड द नॉर्मलाइजेशन टर्म, सेकेंड टर्म इज कॉल्ड बेसिकली हार्माइट पॉलिनोमियल टर्म, एंड जो थर्ड टर्म है उसको बोलते हैं हम लोग गॉसियन फंक्शन टर्म। तो हम लोग देख सकते हैं फॉर एन इज इक्वल टू जीरो द एक्सप्रेशन विल बी एन एन इंटू वन, हार्माइट पॉलिनोमियल वैल्यू वन है, इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। सिमिलरली ये जो फंक्शन होगा ये एक टाइप का गॉसियन फंक्शन है विथ सिंगल लोब, यू कैन सी। तो ये जो साई जीरो एक्स जो वेव फंक्शन है फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम, ये एक सिंगल लोब हो रहेगा, इसको ऐसे ये दिखेगा इस तरह से। अभी फॉर एन इज इक्वल टू टू क्वांटम स्टेट्स द वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम विल बी लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉन्स्टेंट टर्म है, उसके साथ 2z है इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। सो ये जो 2z टर्म है ये इंट्रोड्यूस होने के वजह से ये जो फंक्शन होगा वो टू लोब सिस्टम होगा। तो इसमें दो लोब रहेगा, पहले ये वेव फंक्शन बढ़ेगा फिर जीरो होके फिर नेगेटिव होके फिर जीरो हो जाएगा। तो ये दिस टाइप का वेव फंक्शन इज कॉल्ड टू लोब सिस्टम। सो सिमिलरली फॉर साइड टू एक्स, यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है ये अलग रहेगा इंटू फोर जी स्क्वायर माइनस टू इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर साइड टू टाइप ऑफ सिस्टम इट हैज थ्री लोब्स। तो यहाँ पे जो मेन फीचर देखने वाली जो बात है कि ये जो पॉलिनोमियल है दैट इज कॉल्ड द सेकेंड ऑर्डर पॉलिनोमियल। जो देखने वाली बात है कि इस तरह का जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन का मेन जो स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, ये वेव फंक्शन कैसे दिखेगा, ये मेनली डिटरमाइन करता है ये गॉसियन फंक्शन और ये हार्माइट पॉलिनोमियल। तो ये जो हार्माइट पॉलिनोमियल जितना ऑर्डर होगा उतना लोब उसमें रहेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि फॉर या फिर कह सकते हैं कि हार्माइट पॉलिनोमियल जैसे ये जीरो ऑर्डर है तो इसमें सिर्फ एक ही है, एक ही लोब है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर एच वन साइज फर्स्ट ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल, तो इसमें इस तरह का दो लोब्स है। तो ये जो सेकेंड ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल आप देख सकते हैं तो इसमें तीन लोब्स है। तो ये जो लोब है, ये जो जो भी वेव फंक्शन हम लोगों को मिलते हैं हार्मोनिक ऑसिलेटर का, सो द नंबर ऑफ लोब्स इन द हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम इज फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ द हार्माइट पॉलिनोमियल। ओके, सो दिस हार्माइट पॉलिनोमियल डिटरमाइंस द नंबर ऑफ लोब्स एंड द गॉसियन फंक्शन डिटरमाइन द शेप्स ऑफ द लोब्स। तो ये हार्माइट पॉलिनोमियल ये आप डिटरमाइन करेगा कि ये लोब कितना रहेगा, कितना, जैसे जीरो ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल में एक लोब रहेगा, वन ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल में दो लोब रहेगा, सेकेंड ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल में तीन लोब रहेगा। इसी तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एंथ ऑर्डर हार्माइट पॉलिनोमियल में एन प्लस वन लोब्स रहेगा। तो ये नंबर ऑफ लोब्स डिटरमाइन करता है और ये जो गॉसियन फंक्शन है वो डिटरमाइन करता है शेप ऑफ द लोब्स। तो शेप ऑफ द लोब्स ये कैसे डिटरमाइन करता है ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि ये जो अल्फा वैल्यू है, दिस अल्फा वैल्यू डिटरमाइंस द शेप ऑफ द लोब। तो ये अल्फा वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये जो गॉसियन फंक्शन है दैट विल बिकम ए टाइट गॉसियन फंक्शन। तो ये अल्फा वैल्यू ज्यादा कब होगा, द अल्फा एक्सप्रेशन ऑफ द अल्फा वैल्यू इज रूट ओवर ऑफ के इंटू म्यू बाई एच क्रॉस। तो अगर के और म्यू दोनों का वैल्यू ज्यादा होगा, मतलब म्यू ज्यादा होना मतलब क्या है कि ये जो सिस्टम का मास ज्यादा है, क्योंकि म्यू इज बेसिकली रिड्यूस्ड मास। तो अगर मास ज्यादा होता है या फिर के दैट इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट ज्यादा होता है तो अल्फा भी ज्यादा होगा। तो अल्फा ज्यादा होगा मतलब इसमें ये होता है कि दो जो क्वांटम स्टेट्स है तो या फिर दो एनर्जी स्टेट्स के बीच में जो गैप होगा वो कम हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द मास इज मोर और द स्प्रिंग कांस्टेंट इज मोर रिजल्टिंग द अल्फा वैल्यू इज मोर, देन वी विल ऑब्टेन लेस क्वांटम बिहेवियर, क्योंकि ये जो एनर्जी लेवल से वो दैट विल बी वेरी क्लोजली स्पेस्ड इन दैट केस। और अगर जो अल्फा वैल्यू है अगर उल्टा होता है तो वाइस वर्सा केस होगा।
अल्फा वैल्यू कब कम होने के लिए के को कम होना पड़ेगा, रिड्यूस्ड मास को कम होना पड़ेगा. सो इन दैट केस द गॉसियन फंक्शन विल बी डिफ्यूज्ड और फ्लैटेंड, एंड इन दैट केस द एनर्जी, द सेपरेशन बिटवीन द एनर्जी लेवल्स विल बी मच मोर. सो वी कैन से दैट व्हेन द मास ऑफ द सिस्टम इज लेस एंड द स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज ऑल्सो लेस, इन दैट केस वी विल ऑब्टेन मोर क्वांटम बिहेवियर. नाउ अभी हम लोग थोड़ा इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में बात करेंगे. तो इवन एंड ऑड फंक्शन किस लिए बहुत जानना, कोई भी एक फंक्शन इवन है या ऑड है ये जानना बहुत ही जरूरी है. और ये किस लिए जानना जरूरी है वो मेरा जो नेक्स्ट स्लाइड है उससे आप लोग समझ सकते हैं. तो पहले हम लोग बात करते हैं इवन फंक्शन के बारे में. तो मान लीजिए एफ एक्स कोई एक फंक्शन है. अगर आप एफ एक्स को इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ माइनस एक्स, तो ये अगर इस तरह का एक्सप्रेशन अगर सेटिस्फाई होता है तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं इवन फंक्शन. सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल ऑफ इवन इवन फंक्शन. जैसे कोई भी कॉन्स्टेंट जो वैल्यू होता है वो बेसिकली इवन फंक्शन होता है. उसमें आप कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी वेरिएबल चेंज कीजिए उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट है. सिमिलर उसी तरह से वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 4x4, वाई इज इक्वल टू 8, मतलब ये जो पावर है ये अगर इवन होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी इवन होता है. तो उसी तरह से कोसाइन फंक्शन एक इवन फंक्शन है, गॉसियन फंक्शन एक इवन फंक्शन है, इस तरह के e^-α(x²), और 1/x² इज ऑल्सो इवन फंक्शन. तो अभी अभी हम लोग देखते हैं कि इवन फंक्शन कैसे दिखते हैं. तो पकड़ लीजिए ये गॉसियन फंक्शन है, ये जो फंक्शन है दिस इज अ टाइप ऑफ गॉसियन फंक्शन एंड दिस इज बेसिकली ए कोसाइन टाइप ऑफ फंक्शन. तो ये दोनों इवन फंक्शन है. अगर आप देखेंगे कोई भी एक पॉइंट लेंगे, ये मान लीजिए ये पॉइंट पकड़ लिया एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, तो ये जो कोई भी एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -x एंड y. तो ये अगर कोई भी एक पॉइंट आप लेंगे तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा +x एंड y. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये x x है -x, इसका साइन रिवर्स हो गया, +x हो गया. और ये तो पॉइंट को आप कौन से सिमेट्री से रिलेट कर सकते हैं, दैट इज सिमेट्री ऑफ रिफ्लेक्शन. सो इस तरह का जो वेव फंक्शन होगा उसमें आपको अगर कोई भी एक पॉइंट लेंगे उसका जिसका कोऑर्डिनेट -x एंड y होगा, तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट होगा +x एंड +y. एंड ये जो दो पॉइंट है ये दोनों एक साथ रिफ्लेक्शन सिमेट्री के साथ रिलेटेड होगा. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखिए कोई भी एक पॉइंट ले लिया, दैट इज -x एंड -y, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमें एक पॉइंट मिल रहा है सिमिलर, दैट इज +x -y. एंड ये जो दो पॉइंट है दिस पॉइंट्स आर रिलेटेड बाय रिफ्लेक्शन सिमेट्री. तो ये इस तरह का वेव फंक्शन का ये क्राइटेरिया है इवन फंक्शन होने का. यहाँ पे और एक चीज भी हम लोग देख सकते हैं कि ये जो इवन फंक्शन है, मान लीजिए ये ब्लैक वाला इवन फंक्शन जो गॉसियन इवन फंक्शन है, इसमें आप कैलकुलेट करेंगे, इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे -∞ to +∞, तो पहले इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं. पहला इंटीग्रेशन -∞ to 0, 0 to -∞ इसका जो एरिया है, और सेकेंड इंटीग्रेशन 0 to +∞, ये दो एरिया सेम है. तो इसमें भी कोसाइन फंक्शन में भी सिमिलर टाइप ऑफ केस. तो अगर ये दो एरिया सेम होगा तो हम लोग अगर इंटीग्रेशन लेंगे कोई भी एक इवन फंक्शन का -∞ to +∞, देन वी कैन एक्सप्रेस दिस इंस्टीड ऑफ राइटिंग दिस 2 × 0 to ∞ f(e)x(dx). क्योंकि यहाँ पे ये जो एरिया है और ये जो एरिया दोनों सेम ही है, तो उसके उसके लिए हम लोग इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके सिर्फ यहाँ इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे. ये पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दो एरिया सेम ही है. सो दिस इज द वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इवन फंक्शन. अभी आते हैं ऑड फंक्शन पे. तो अगर कोई भी एक फंक्शन को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं एफ दैट इज -x इज इक्वल टू -f(x), देन आप इस फंक्शन को कह सकते हैं एक तरह का ऑड फंक्शन. तो ऑड फंक्शन में क्या होता है, ऑड फंक्शन में आपको कोई भी एक पॉइंट लेंगे x y,
उसका कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर और एक पॉइंट आपको जरूर मिलेगा उसका, जिसका कोऑर्डिनेट होगा -x -xy, और ये जो दो पॉइंट होगा ये दोनों इन्वर्सन ऑपरेशन से रिलेटेड होगा। तो कैसे हम लोग थोड़ा ग्राफिकली इसको थोड़ा समझते हैं कि मान लीजिए ये ब्लैक कलर का ये जो फंक्शन हम लोग देखते हैं ये एक ऑड फंक्शन है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -x एंड -y। तो ये जो पॉइंट है इसका एक कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट हमें मिल रहा है -x -x, sorry, +x -y। तो ये जो पॉइंट है दैट इज -x + y, और ये जो पॉइंट है वो पॉइंट होगा +x - y। तो ये जो दो पॉइंट है ये दो पॉइंट एक दूसरे के साथ इन्वर्सन के साथ रिलेटेड है। अगर हम लोग ये पॉइंट का इन्वर्सन ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा, या फिर ये पॉइंट का इन्वर्सन ऑपरेशन करेंगे तो हमें ये पॉइंट मिलेगा। तो ये जो तो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड विथ इन्वर्सन ऑपरेशन। सो इन ऑड फंक्शन में हमें इस तरह का दो पॉइंट जरूर मिलेगा जो दो पॉइंट एक दूसरे के साथ इन्वर्सन ऑपरेशन के साथ रिलेटेड है। सिमिलरली अगर ये जो फंक्शन है इसमें अगर आप देखेंगे कोई भी एक पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट है -x एंड -y, तो इसका जो इन्वर्टेड पॉइंट आपको मिलेगा ये पॉइंट दैट इज +x एंड +y। सो दिस टू पॉइंट्स आर रिलेटेड बाय इन्वर्सन ऑपरेशन। तो यहाँ पे इन्वर्सन ऑपरेशन से रिलेटेड है आप देख सकते हैं। और एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी जो ऑड फंक्शन का है, आप ब्लैक कलर का ये फंक्शन ले लीजिए, तो मान लीजिए ये जो एरिया है 0 to infinity इफ यू डू द इंटीग्रेट दिस एरिया 0 to -infinity, और यहाँ पे जो ये एरिया इंटीग्रेट करेंगे तो 0 to +infinity। अगर आप देखेंगे कि ये एरिया और ये दो एरिया इसका वैल्यू सेम है लेकिन इन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन साइन डिफरेंट है, मतलब ये प्लस है तो ये माइनस है, मतलब इसका वैल्यू अगर +x है तो इसका वैल्यू -x है। तो इन दोनों का अगर आप ऐड करेंगे तो टोटल वैल्यू जीरो हो जाएगा। यहाँ पे जैसे दोनों का वैल्यू भी सेम था और साइन भी सेम था, मतलब ये भी x होता तो ये भी x है, लेकिन यहाँ पे उल्टा है, ये x है तो ये -x है, इसीलिए इन दोनों को अगर आप एड अप करेंगे टोटल इंटीग्रल -∞ to +∞ करेंगे तो उसका वैल्यू जीरो होगा। तो हमें इस तरह का अगर फंक्शन मिलता है तो इसका इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस तरह का अगर ऑड फंक्शन मिलता है और आपको इस तरह का इंटीग्रेशन -∞ to +∞ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि ये फंक्शन इवन है या ऑड है। अगर इस तरह का फंक्शन अगर ऑड होता है तो आपको ये इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इट्स वैल्यू विल बी जीरो। सो इट विल टेक बहुत सारा टाइम हम लोगों का सेव कर देता है, क्योंकि हमको पहले से ही पता चल जाता है कि इसका इंटीग्रेशन किस तरह का होगा। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जांपल है ऑड फंक्शन का, जैसे x 5x³ sin kx 1x x^5 - 3x³ + 9x 10x 1/6x³। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये अगर ऑड है 3 1, तो फिर ये इस तरह का ऑड फंक्शन होगा। तो ये कई सारे एग्जांपल्स है ऑड फंक्शन के। तो इस तरह का फंक्शन को आप इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसलिए इसको ऑड फंक्शन बोला जाता है। तो अभी थोड़ा हम लोग ऑड फंक्शन के बीच में अगर आप ऑपरेशन करेंगे तो कैसे वो ऑपरेट फंक्शन मिलेगा किस तरह का, ये हम बताते हैं यहाँ पे। तो दो इवन फंक्शन को अगर आप एड अप करेंगे तो आपको हमेशा इवन फंक्शन ही मिलेगा। जैसे आप x² के साथ 4x⁴ को ऐड करेंगे, दोनों ही इवन है, तो उसका जो रिजल्टेंट फंक्शन है दैट विल बी ऑल्सो इवन। सिमिलरली अगर आप दो ऑड फंक्शन को ऐड करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन ऑड ही मिलेगा। उसके बाद इवन और इवन फंक्शन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन होगा इवन। जैसे x²(x⁴) ये दोनों ही इवन फंक्शन है, और उसका जो मल्टीप्लीकेशन के बाद जो x⁶ आता है वो भी एक इवन फंक्शन है। अगर आप इवन फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ऑड फंक्शन मिलेगा, जैसे यहाँ पे। तो उसी तरह से अगर ऑड फंक्शन को ऑड फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इवन फंक्शन मिलेगा, जैसे x, ये एक ऑड फंक्शन है, x³ एक ऑड फंक्शन है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो प्रोडक्ट जो होगा x⁴ दैट इज इवन फंक्शन।
अभी हम लोग ये बताए थे कि डेरिवेटिव जो है ये एक तरह का एक, अगर आप डेरिवेटिव लेंगे कोई भी एक इवन फंक्शन का, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन मिलेगा वो ऑड मिलेगा। जैसे 4x⁶ ये एक इवन फंक्शन है, इसका अगर आप डेरिवेटिव लेंगे तो ये कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन विल बी 24 x⁵। तो ये फंक्शन हो गया ऑड। तो सिमिलरली अगर आप ऑड फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो आपको इवन मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ 3x³ इज इक्वल टू 9x², तो ये फंक्शन ऑड है, लेकिन इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से आपको जो फंक्शन मिला दैट इज इवन। तो ये पूरा हो गया इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में। तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों को मिला इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में, दैट कॉन्सेप्ट वी विल यूज टू कैलकुलेट सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन वैल्यू इन हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम। तो पहले ही हम लोग कह चुके हैं कि दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द वेव फंक्शन फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर मॉडल सिस्टम। इसमें तीन पार्ट है, पहला नॉर्मलाइजेशन कॉन्स्टेंट पार्ट, दूसरा है हार्माइट पॉलिनोमियल पार्ट, और तीसरा है गॉसियन फंक्शन, और ये है हार्माइट पॉलिनोमियल फंक्शन का एक्सप्रेशन। तो अगर इसमें अगर आप डिफरेंट क्वांटम नंबर के लिए हार्माइट पॉलिनोमियल कैलकुलेट करेंगे तो दीज आर द वैल्यू। तो यू कैन सी दैट फॉर एन इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ हार्माइट पॉलिनोमियल इज 1। 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो हम लोग देखेंगे कि ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो 1 एक कॉन्स्टेंट है, तो कोई भी कॉन्स्टेंट इवन फंक्शन होगा। सो दिस फंक्शन, दिस हार्माइट पॉलिनोमियल इज बेसिकली एन इवन फंक्शन। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H1Z? द वैल्यू ऑफ H1Z इज 2Z। नाउ द Z इज नथिंग बट रूट ओवर ऑफ अल्फा इंटू एक्स, पर अल्फा इज नथिंग बट कॉन्स्टेंट। तो ये एक्स डिटरमाइन करेगा कि Z इवन है या ऑड है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है 2√ ऑफ अल्फा एक्स, दैट विल बी ऑड फंक्शन बिकॉज एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो उसके बाद H2Z इसका वैल्यू होगा 4α² - 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि x² जो है ये एक इवन फंक्शन है, और ये इवन फंक्शन के साथ कोई भी एक इवन फंक्शन आप प्लस या माइनस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन भी इवन होगा। तो ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है। उसके बाद H3Z इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है दैट इज ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो हार्माइट पॉलिनोमियल है दैट इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इवन टू ऑड, ऑड टू इवन, इवन टू ऑड। तो इसका वैल्यू इवन और ऑड के बीच में ऑसिलेट करते रहता है। तो जैसे एन वैल्यू अगर 0 होता है तो इवन है, एन वैल्यू 1 होता है तो ऑड है। एन वैल्यू अगर जैसे एन वैल्यू अगर इवन होता है तो ये हार्माइट पॉलिनोमियल इवन होगा, अगर एन वैल्यू 0 या एन वैल्यू अगर ऑड वैल्यू होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग हार्माइट पॉलिनोमियल भी ऑड होगा। ये जनरल ऑब्जर्वेशन है। ओके, नाउ अभी हम लोग ये जो जनरल ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने देखा, यही लिखा है इसमें कि एन वैल्यू अगर ऑड होता है तो हार्माइट पॉलिनोमियल भी ऑड होगा, एन वैल्यू अगर इवन है तो हार्माइट पॉलिनोमियल इवन होगा। नाउ अभी हम लोग टोटल जो ये जो वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन के बारे में देखते हैं कि ये इवन होता है या ऑड होता है, कब इवन होता है कब ऑड होता है, ये देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर अगर एन इवन होता है तो ये जो कांस्टेंट है दैट इज नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, इट इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। सो ये इवन ही रहेगा, एन ऑड हो या इवन हो उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अगर एन इवन होता है तो हार्माइट पॉलिनोमियल भी इवन होगा। और ये जो गॉसियन फंक्शन है दैट थर्ड पार्ट, इट इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन, तो ये भी इवन रहेगा। तो आपका वेव फंक्शन इवन या ऑड होगा ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपका हार्माइट पॉलिनोमियल इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्माइट पॉलिनोमियल इवन है तो इवन इंटू इवन विल बी इवन, तो आपका वेव फंक्शन भी इवन हो गया। तो यहाँ पे सेकेंड केस पे अगर आप एन इज इक्वल टू ऑड होता है तो हार्माइट पॉलिनोमियल ऑड होता है, तो हार्माइट पॉलिनोमियल अगर ऑड होगा तो इवन इंटू इवन इज इक्वल टू ऑड फंक्शन। तो इन दैट केस साई विल बी एन ऑड फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉर एन इज इक्वल, एन का वैल्यू जो क्वांटम नंबर है वो अगर इवन होगा तो वेव फंक्शन भी इवन होगा, और अगर क्वांटम नंबर ऑड वैल्यू होगा तो वेव फंक्शन भी ऑड होगा। तो ये बेसिक ऑब्जर्वेशन है। सो यू कैन सी दैट फॉर वेव फंक्शन, अभी हम लोग देखेंगे थोड़ा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज नथिंग बट इफ साई स्टार एक्स इंटू साई एक्स, साई स्टार एक्स इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ दिस फंक्शन।
तो अगर साई अगर इवन होगा या ऑड होगा इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी सेम रहेगा। साई अगर इवन है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी इवन होगा, साई अगर ऑड है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ऑड होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो साई वैल्यू है ये अगर इवन होता है तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन विल बी इवन, क्योंकि इवन इंटू इवन इज इक्वल टू इवन। अगर आप साई इज इक्वल टू ऑड फंक्शन होता है तो ये ऑड है और इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी ऑड है। अगर दो ऑड ऑड फंक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें से इवन फंक्शन मिलता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि आप साई इवन हो या ऑड हो इसका जो मल्टीप्लीकेशन है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इट इज ऑलवेज एन इवन फंक्शन। तो उसका एन के ऊपर डिपेंड नहीं करता या वेव फंक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस तरह का जो वेव फंक्शन है इसका इंटीग्रल को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 × 0 to ∞ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ये वेव फंक्शन हमेशा इवन इवन है, दैट इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो अभी हम लोग थोड़ा देखेंगे कि हम लोग का एक्सपेक्टेशन नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल किस तरह का होता है, इवन होता है या ऑड होता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल। तो ये नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल के बारे में मैंने अपने पुराने जो लेक्चर है ओल्ड लेक्चर उसमें डिटेल इसके बारे में बात किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप देख सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली डिराक नोटेशन टू एक्सप्रेस द नॉर्मलाइजेशन इंटीग्रल, और इसको अगर आप एक्सप्रेस करेंगे और एक्सपेंड करेंगे तो इसका एक्सप्रेशन ऐसा है कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार एक्स इंटू साई एन एक्स डीएक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, और ये फंक्शन हमेशा इवन फंक्शन होता है, ये पहले ही हम लोग देखे। तो इस तरह के इंटीग्रल को हमेशा हम लोग इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 × 0 to ∞ साई एन स्टार एक्स इंटू साई एन एक्स डी एक्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल को हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द वेव फंक्शन इंटू द ऑपरेटर कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट ऑब्जर्वेबल इंटू एन। ओके, तो इस तरह का ये जो ऑपरेटर है इसका डिफरेंट ऑपरेटर डिफरेंट ऑब्जर्वेबल के लिए डिफरेंट ऑपरेटर रहता है, उसका एक्सप्रेशन भी डिफरेंट रहता है। जैसे पोजिशन ऑपरेटर, दैट इज पोजिशन ऑपरेटर इज सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स। सिमिलरली द स्क्वायर ऑफ द पोजिशन ऑपरेटर इज ए मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। उसी तरह जो मोमेंटम ऑपरेटर है उसका एक्सप्रेशन है माइनस आई एच क्रॉस डी डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेकिंग डेरिवेटिव इज बेसिकली एन ऑड फंक्शन एंड दिस पार्ट इज बेसिकली ए कॉन्स्टेंट पार्ट, सो इट इज एन इवन फंक्शन। सो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ इवन एंड ऑड विल बी एन ऑड फंक्शन। तो जो मोमेंटम ऑपरेटर है दैट इज एन ऑड फंक्शन। सिमिलरली ये जो पोजिशन ऑपरेटर है दिस इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। सो यू कैन सी दैट वट विल बी वी कैन डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू बाय यूजिंग दिस एक्सपेक्टेशन इंटीग्रल। सो दिस एक्सपेक्टेशन इंटीग्रल इज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन स्टार एक्स इंटू एक्स इंटू साई एन एक्स। अभी आप देखिए, मान लीजिए ये वेव फंक्शन इवन है, तो अगर ये वेव फंक्शन इवन होता है तो ये इवन वेव फंक्शन है, और ये जो एक्स है ये एक ऑड फंक्शन है, और फिर से ये वेव फंक्शन इवन है। तो इवन इंटू ऑड इंटू इवन इज ऑलवेज एन ऑड फंक्शन। अगर ये वेव फंक्शन मान लीजिए ऑड होता है तो फिर क्या होगा, अगर ये वेव फंक्शन ऑड होता है तो ये ऑड हो गया, ये जो ऑपरेटर है दैट इज एक्स दैट इज ऑल्सो एन ऑड फंक्शन। सो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड इज एन ऑड फंक्शन। सो यू कैन सी दैट द एक्सपेक्टेशन इंटीग्रल फॉर पोजिशन और द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोजिशन दिस इंटीग्रल विल ऑलवेज बी एन ऑड फंक्शन। तो इस तरह का अगर ऑड फंक्शन का अगर इंटीग्रल करना होगा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू जीरो, ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इस तरह का अगर हम लोगों को इंटीग्रल मिलता है तो पहले देखना पड़ेगा कि हम लोगों का ये जो वेव फंक्शन है ये क्या है, ये इवन होता है या ऑड है। ये इवन हो या ऑड हो कुछ भी हो आपका ये जो इंटीग्रल है ये हमेशा जीरो ही होगा। तो इसका इस तरह का इंटीग्रल का इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है। बाय सीइंग दैट वेदर दिस ऑपरेटर इज इवन और ऑड वी कैन सिंपली गेट इन टू द सॉल्यूशन। तो ये जो ऑपरेटर है ये अगर ऑड होता है तो ये स्ट्रेट वे जीरो हो जाएगा।
सिमिलरली मोमेंटम ऑपरेटर के लिए भी मोमेंटम ऑपरेटर एक ऑड फंक्शन है, तो मोमेंटम एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम विल ऑल्सो बी जीरो। तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग जस्ट एक ऑपरेटर इवन है या ऑड है वो देख के ही डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इस तरह का हार्मोनिक ऑसिलेटर जो सिस्टम है उसमें देयर कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेक्टेशन वैल्यू का कितना वैल्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द एक्सपेक्टेशन वैल्यू फॉर पोजिशन इज इक्वल टू जीरो एंड फॉर मोमेंटम इज इक्वल टू जीरो। तो हमें इतना बड़ा बड़ा इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं हुआ। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ नोइंग द इवन एंड ऑड फंक्शन। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि द एवरेज पोजिशन एंड एवरेज मोमेंटम फॉर ए हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम इज जीरो। तो एवरेज पोजिशन जीरो होने का ये मतलब है कि सो द पार्टिकल इज इक्वली लाइक टू बी मूव्ड इन बोथ लेफ्ट पोजिशन और राइट पोजिशन। और ये भी कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है वो इक्वली लाइकली टू बी स्ट्रेच्ड इन बोथ द डिरेक्शन। तो ये जो दोनों एटम ये जो बॉन्ड के द्वारा कनेक्टेड है तो ये इक्वली लाइकली स्ट्रेच भी हो सकता, कॉम्प्रेस भी हो सकता है, स्ट्रेच भी हो सकता है। तो ये दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है, इसलिए हम लोगों को ये जो एवरेज जो डिस्टॉर्शन है दैट इज एक्स इज बेसिकली डिस्टॉर्शन फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजिशन, ये एवरेज वैल्यू हमेशा जीरो मिलता है। तो दैट्स इट फ्रॉम टूडेज लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर के में कुछ डाउट्स है तो आप कृपया करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। I will try to resolve all your doubts and please do subscribe to my channel Chembiosis and if you like this video please like कीजिए इस video को और share भी कर सकते हैं। Thank you.